आप सब आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आप सभी का प्यारा दोस्त प्रवीण, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बहुत ही खास बात करने वाले हैं इस वीडियो पे। जैसे कि मैं बता दूं कि क्या बात करने वाले हैं, तो हम बात करेंगे आज नई स्टूडेंट जो अभी न्यू एडमिशन लिए हैं उनका पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और कुछ पुराने स्टूडेंट की भी बात करेंगे। तो कुछ है इस वीडियो पे नई जानकारी देने की कोशिश करूँगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, यानी लास्ट तक वॉच करिए, देखिए। तो यही है कि वीडियो कंप्लीटेड देखिए। तो हम बिना समय बर्बाद करते हुए छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और वीडियो पे आप लास्ट तक जिसमें से बने रहें, नई जानकारी लें। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी यूनिवर्सिटी का नई नोटिफिकेशन आया है, और नई नोटिफिकेशन में आप लोग देख पा रहे होंगे कि मतलब है, मैंने ऑलरेडी बना दिया था कि आप लोगों का जो 8 तारीख से पेपर होने जा रहे हैं, 8 फरवरी से पेपर होने जा रहे हैं, जो कि 8 फरवरी 2021 आप लोग जानते होंगे। तो इसमें पेपर होगा, तो पेपर की मैं बता दूँ कि दो उसमें होगा, एक सुबह होगा और एक शाम को, दो शिफ्टों में आपकी पेपर होने जा रहा है। तो आप पेपर देने जाएंगे, तो ये पेपर ऑनलाइन माध्यम से भी हो सकता है और ऑफलाइन माध्यम से भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका टाइम टेबल आ चुका है। टाइम टेबल अगर आपने नहीं देखा है तो हम बताएंगे आपको टाइम टेबल कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी टाइम टेबल का वीडियो तो नहीं बनाया हूँ, बट आपको मिल जाएगा टाइम टेबल कहाँ से वो करना है। तो वीडियो को लास्ट में जाते जाते हम बता देंगे कि टाइम टेबल कहाँ से मिलेगा आपको। तो हम बात कर रहे थे पेपर के ऊपर, तो आज कि 8 तारीख को जो 8 फरवरी से आपको पेपर होने वाला है, वो पेपर दो शिफ्टों में होगा, एक सुबह और एक शाम को। तो सुबह वाला भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और शाम वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नए सारे स्टूडेंट होंगे, न्यू स्टूडेंट होंगे, तो मैं बता दूँ कि कौन कौन स्टूडेंट का पेपर होने जा रहा है। तो मैं बता दूँ, फर्स्ट और सेमेस्टर की पेपर नहीं होगा, फर्स्ट ईयर वालों का पेपर नहीं होगा, क्योंकि उसमें कई सारे स्टूडेंट को कुछ पढ़ाया नहीं गया है, किसी का रोल नंबर ही नहीं बन पाया है ना, तो स्टूडेंट का पेपर नहीं होगा। फर्स्ट ईयर का पेपर किसका होगा? पेपर होगा थर्ड सेमेस्टर का, फिफ्थ सेमेस्टर का, सेवन्थ सेमेस्टर का। जो ये स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, जो लॉकडाउन से पहले एडमिशन ले चुके थे, वो स्टूडेंट का पेपर होगा, ऑफलाइन माध्यम से होगा या ऑनलाइन माध्यम से होगा। ऑनलाइन माध्यम से होगा तो एक आपको ऐप है, IUMS ऐप मिल जाएगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिसमें आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा कि कौन सा डेट के लिए, कौन सा तारीख, कौन सा सब्जेक्ट है और टाइम क्या है उसका। तो नीचे आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नीचे आप देख लेंगे, और उस ऐप का जो लिंक है वो लिंक भी मिल जाएगा आप सभी को। तो आप उस लिंक को डाउनलोड कर लें, और उससे पहले कि आप लोगों को लिंक डाउनलोड कर लेंगे, तो ASIS जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो SIS रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उन स्टूडेंट को जिनको पेपर देना है। तो हम बता रहे हैं कि जैसे आप सभी को पेपर तो यहाँ मिलेगा ही, बट बात यह है कि उन स्टूडेंट का पेपर नहीं होगा जो लॉकडाउन के बाद एडमिशन ले रहे हैं।